थैंक यू। ये क्या है, फिलाफिल है? नहीं फिलाफिल नहीं, वेजी चिकन आलू समोसा। हे यू वांट सम? और पकोड़ा साथ में जो है। विशु यू वांट सम? पकोड़ा। आए हैं जस्ट वैसे ही फ्यूल डलवाने के लिए। तो जो गैस स्टेशन के ऊपर ये छोटे छोटे से होते हैं ना स्टोर, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इतनी प्यारी लाइटिंग होती है और इतनी मजे की चीजें पड़ी होती है ना वो ऑन द गो स्नैकिंग के लिए। और वहाँ कॉर्नर में KFC भी बना हुआ है ना, ये मजे के लगते हैं ना। और स्पेशली जब ट्रेवल करके कहीं जा रहे होते हैं ना तो इस तरह के फिर पिट स्टॉप्स बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो हम ये लेके आए ना मैक्स से बच्चों की शर्ट। मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि हम वहाँ से क्या लेके आए थे। ठीक है, ये है दुबई UAE फ्यूचर इज नाउ। और बहुत ही प्यारी शर्ट है और ये शाइनी है, सिल्वर कलर का है। और ये एक शर्ट है तिहामी के लिए। एक हम ये शर्ट लेके आए हैं, ये WWE की रेसलिंग जो है उसकी शर्ट है। और ये लिखा हुआ है वॉक द टॉक। और बैक साइड पे भी इस तरह लिखा हुआ है शो मी व्हाट यू गॉट। तो ये बहुत अच्छी है, ये हुडी टाइप है लेकिन स्वेट शर्ट है साथ में। ये स्टार वॉर्स की ये भी स्वेट शर्ट है। ऐसी क्लोथिंग हॉल मैंने लाइफ में नहीं दिखाई जैसी आज मैं दिखा रही हूँ, ब्रेव एंड कूल। तो ये भी सिंपल सी थी लेकिन इस पर लिखा हुआ अच्छा था तो तिहामी ने ये शौक से ले ली थी। अच्छा जी, तो ये हो गई थी तिहामी की। उसके अलावा हमने तिहामी के लिए ये कॉटरे की जीन्स ली थी और ये ग्रेइश सा कलर है, बॉटम इसका इलास्टिसाइज्ड है। और वैसे ये कॉटरे है तो बहुत बहुत हमें अच्छी लगी, फ्रंट भी सिंपल से लेकिन बहुत अच्छी है। तो ये तो हो गई थी जनाब तिहामी की। एक मिशारी के लिए ट्राउज़र लिया है और ये उसकी जीन्स ली है। ये मिशारी के लिए एक ली है, कैन यू स्मेल व्हाट द रॉक इज़ कुकिंग। ये रॉक हमारा फेवरेट होता था, मेरा और शहजाद का, और इवन शादी से पहले भी रॉक हमारा बहुत फेवरेट होता है। मिशू दिस शर्ट इज़ फॉर यू। नो इट्स रॉक। फिर ये स्टार वॉर्स की थी हम, मिशारी की भी सेम है। उसके अलावा ये WWE वाली जो है मिशारी की भी सेम है जो आपको अभी तिहामी की दिखाई थी। उसके अलावा जो हमने कॉमन शर्ट्स ली हैं घर में पहनने के लिए दोनों की, वो ये है, ये तिहामी की और इसी तरह की सेम मिशारी की है, बी द चेंज। और उसके अलावा ये है बी द चेंज और स्टे यूनिक टेक इट ईजी। ये सारी फुल स्लीव हैं घर में पहनने के लिए तिहामी मिशारी की, ये भी एक जैसी ले ली हैं। और उसके अलावा एक ये है, ये भी अभी तिहामी की है लेकिन मिशो तिहामी दोनों की हमने ले ली हैं सेम सेम। सामान मैंने सारा बखेर दिया है, इसको मैं समेटती हूँ। इंशाल्लाह आपसे कल की वीडियो में मिलते हैं। कल अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। डिड यू लाइक माय क्वीन एल्सा ड्रेस? विल आई लुक ब्यूटीफुल? ओके बाय। तो और मेरे प्यारे से मिशी ने फर्स्ट टाइम एवर अपना खुद से स्पाइडरमैन कंप्लीट बनाया, फेस बना लेता था, आज पूरी बॉडी भी बनाई है। मिशू आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मिशू आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ओह माय गॉड, हू फॉर thank you. Oh, wish you give me huggy. Hi. Just huggy? Yes. Yeah. Okay. No, hi. Okay. Oh, thank you, baby. Bye-bye, Charles. Chalo, bas, Charles. You know what? You're very naughty but cute at the same time.
ओके हाँ जी, ये क्या हो रहा है? ये इंजीनियर साहब ये मैं इसकी सफाई कर रही है। देखिए मैंने ब्लेंडर का हाल क्या किया। इंजीनियर साहब क्या हो रहा है ये? इंजीनियर साहब है, इंजीनियर साहब की बेटी। ये देखें जरा ये मैंने क्या किया हुआ पैजामा। ये देखें ये क्या हुआ है? इसको जूस पिला रहे थे आप, ऑरेंज जूस, उसके अंदर सारा जूस चला गया। कैसे शहजाद? मुझे पता नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम इसमें जूस बना रही थी तो उसके सेंटर में से बाहर क्या डिटेल एक्सप्लेन करनी, लेकिन उसके सेंटर में से लीक होता रहा और मैं समझी हूँ कि अभी ये पूरा जार फिल नहीं हुआ तो मैं जूस बनाती नहीं हूँ, जबकि साइडों से वो फिल नहीं हुआ था लेकिन अंदर हो जाने इकट्ठा होता था। अच्छा तो ये हुआ है कारनामा। तो शहजाद जी तो काम इतना मेरे से खराब हो गया ना। ये गुड़िया ने अब नया काम शुरू किया हुआ है कि मतलब हमारे अलावा जो है मशीनों को भी जूस पिलाया जाता है यहाँ पर जो है। हाँ जी। ये देखें वो भी प्योर ऑरेंज जूस विद पल्प है विदाउट पल्प है? विदाउट पल्प। छोड़े मैं आपको जो है कर देता हूँ ना, ये जो है पीछे हटा हो गया ऑलमोस्ट। आपको खुद ही जो है बड़ा शौक है इस तरह के मैकेनिक करने का जो है मैंने देखा है। मुझे ये भी नहीं याद रहा कौन सी साइड थी। शाबाश बाबा। वो है इतना गंदा कि मैं कैसे उसको साफ करूं? देखिए ना बाबा। जी बेटा। I need you one second. ओके बेटा आई एम कमिंग प्लीज। क्या हाल है? पहले नीचे साफ करूं इस जगह। तो कोई हाल नहीं है यार। आप कहा किसने खोल दे इसको? शहजाद उसके अंदर आपकी सोच है, उसके अंदर इतना जूस चल रहा है। देखिए कौन सा। तो आप मुझे बुला लेते, मैं स्ट्रॉ डाल के पी लेता अंदर से जो है यार। हाँ जी पता है मैंने क्यों इसको खोल दिया है? क्योंकि नीचे ना जूस काउंटर पे लीक हुआ हुआ था, तो मेरे लिए सिंपल है कि चलो काउंटर पे लीक हो गया तो मैं इसको ना मतलब साइड पे करके काउंटर साफ कर लूं। मैं जब साइड पे किया तो वो ब्लेंडर इस वाली चीज के अंदर से जूस गिरा। मैंने यूं किया वो ऐसे जैसे पूरा ग्लास भरा हुआ। अल्लाह का शुक्र है करंट वगैरह नहीं लगा गुड़िया साहब। हाँ जी तो वो फिर मैंने इसको जो है वो प्लग इसको उतारा और मैंने कहा मैं ये तो काम करूँ ना, इसको मैं साफ करूँ। इतना प्यारा जो है ना फूड प्रोसेसर है, खराब ना हो जाए। ये लें ये चेक करें जी। फाइनली उस गुड़िया ने हल निकाल दिया उसका जो है। अब देखिए स्माइल आ गई है मैकेनिक नौश। हाँ जी आप लोगों से भी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने अपनी जो है जूसर मिक्सर फ्रूट फैक्ट्री ब्लेंडर सिलेंडर वॉशिंग मशीन कुछ भी डिश वॉशर साफ करवाना ठीक करवाना तो गुड़िया ने आजकल जो है ना ये कंसल्टेंसी भी देना शुरू कर दी है। सही बात है। बस ये चीज़ रह गई थी अब जो कमी है आपने देख ले, मैंने वो भी ओवरकम कर ली है। हाँ जी क्या ही बात है। ये देखिए हो गया मैं फाइनली। हाँ जी ये रॉन्ग लग गया, ये देखिए ऐसे लग जाता है, ऐसे लग गया ये। एक मिनट मैं स्टार्ट करके देखूं। नहीं मतलब यानी कि ये जो ब्लेंडर है इसका ये जो है ना ऑपोजिट साइड पे हो गया। हाँ ये ऑपोजिट साइड पे हो गया। अब मेरी शेरनी है चलें चेक करें खैर है। चीखे मार रहे वो उसकी वायर ना फंसी। सही है सही है सही है। अच्छा भला मैंने चेक किया था ब्लेंडर, शराब गवाह है आपने ही चेक किया था मेरे साथ। सही चल रहा है देखिए मजाक उड़ रहा है। सही चल रहा था उसके बाद जब सारे स्क्रूज लगाए तो वो नहीं चल रहा क्योंकि आपने उसकी गलत जगह स्क्रूज लगा के उसको खराब नहीं कैमरा ही ऑफ हो गया था शहजाद ने ऐसे गुस्से से देखा है कैमरा ऑफ हो गया डर के मारे। टूटा क्यों नहीं है मैंने तो इतने गुस्से से देखा। और ये देखिए थकी हुई आत्मा आई है, ये कहता है मम्मा मैं बैठ बैठ के बोर हो गया मुझे कुछ करने को दे। इसको आज सारा दिन टीवी देखने दिया ना तो इसका ये हाल हो गया। चलो चाय पी के कहीं निकलते, मैं वीडियो भी कल बना लूंगी है ना। इसका कल लास्ट डे है ना स्कूल का, छुट्टियाँ हों किसी तरह। अभी टाइम शायद 6:15 हुए हैं 6:20 मेरे बेटे को क्या हुआ? को क्या हुआ? जूस दूध What happened? I don't want to go. You want ice cream? Yes. Yes? Yeah. Okay. ये देखिए ये नोना फिश। दिन हो गए इस बच्चे को मैंने ठीक नहीं किया, 10 साल हो गए इस बच्चे को मैंने सीधा नहीं किया। No. बाय दे हामी। नहीं।
डोर बंद। और देखो गंदा बच्चा, ओए गंदा बच्चा, लॉल। अच्छा चलो आजा आजा आजा, रखो इसको ब्लैंकेट को वहाँ। वहाँ पे मुवा पे शरारत गए हैं हमारे लिए बबल टी लेने के लिए, क्योंकि हम क्रेव कर रहे हैं बबल टी को काफ़ी दिनों से। ये है जी मुवा का हाल। हाँ। तो बोलता है कि वो हमारी तरफ से चांस है, बोलता है पर्ल्स भी डाला है का नहीं, पर्ल्स में किसी से कॉपी नहीं पड़ा। ये लो मिस्टर लो। वाकई बनता है यार, मतलब इतनी मेहनत के बाद आपका जूस पीना बनता है। रात की तो क्या ही बात है, रात को बहुत खूबसूरत लगती है ये जगह, बहुत ही प्यारी। ऊपर लाइट्स हैं, नीचे सी में उसकी रिफ्लेक्शन है, अमेजिंग। आज किचन का बहुत काम किया, करने वाला भी था पेंडिंग, लेकिन मैं जो टाइप की रिकॉर्डिंग मैंने की है, वीडियो रिकॉर्डिंग नौश किचन रूटीन चैनल के लिए, धनिया साफ़ कर रही हूँ, सब्जियाँ समेट रही हूँ, इसलिए कि मैंने जो है वो अमेज़ॉन वगैरह और यूट्यूब जो भी मेरे सोर्सेज ऑफ इनकम है उस वीडियो में बताऊँगी नौश किचन रूटीन पर। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक वहाँ पर आ चुकी होगी। तो एनीवेज़, तो वो फिर मैंने ना एक्स्ट्रा स्टफ़ रिकॉर्ड किया। नॉर्मली क्या होता है कि बेसिकली वो कुकिंग होती है उस पर जो मैं दिखाती हूँ, तो कुकिंग के बारे में ही बताना होता है, रेसिपी में ये डाला है वो डाला है, तो इतना टाइम नहीं होता कि डिटेल में टॉपिक पे बात कर सकूं। तो इसलिए मैंने ना एक्स्ट्रा टास्क जो है जिसमें कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है तो वो सारे रिकॉर्ड कर लिए, ताकि सुकून से डिटेल्स बता दूं कि आप घर बैठ के आप भी क्या क्या काम कर सकते हैं। और शहजाद मिन्नतें कर करके थक जाते हैं कि बस कर दो, मैं कुछ हेल्प करा दूँ ना, मैं उनसे एडिटिंग करवाती हूँ ना मैं उनसे रिकॉर्डिंग करवाती हूँ। और हालांकि वो घर पे होते हैं, वो इतनी दफ़ा मुझे कहते हैं कि मेरा क्या फ़ायदा है कि अगर मैं जब तक मतलब आगे जाके अगर मेरा काम ज़्यादा बढ़ गया और मैं हर वक्त घर ना हुआ करूँगा तो मतलब उस वक्त तो चलो समझ में आता है तुम सब खुद ही करो। अभी मैं जो है वो घर पे होता हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ उनको कि नहीं मुझे जल्दी जल्दी स्पीड से काम करना है, इधर कैमरा रखना है उधर कैमरा रखना है, तो मैं खुद ही कर लूँगी। तो इस वजह से ना ये सारा कुछ मैं करके ना खुद ही बहुत थक जाती हूँ, लेकिन वो आदत इस तरह की है कि काम किसी और को दिया नहीं जाता। एनीवेज, और आज सारा दिन ये कपड़े पड़े रहे हैं और अभी रात में फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बच्चों की जो है ना वो अब समर के एक साइड पे करने हैं और विंटर का स्टफ निकालना है, फिर उसके साथ ही मैं ये रखूँगी। तो बस यही है, हमी का भी लॉन्ग वीकेंड है क्योंकि यहाँ पे नेशनल डे है यूएई का, तो 50th है वो भी, तो वेरी स्पेशल है, तो उसके लिए देखेंगे कि हमारे क्या प्लान्स हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और हमने कहाँ जाना है। तो ये जो लॉन्ग वीकेंड है इसको हम इसमें एक दो दिन घर ही रहेंगे, एक दो दिन कहीं बाहर निकल जाएंगे, कोई हमारे घर आ जाएगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ ये कि हमारा किसी के घर भी जाने का प्लान नहीं है, क्योंकि हमने अपना निकलना ज़रा अपना दिल करता है कि पूरा साल हो गया तो अब ज़रा इसको यूएई को एक्सप्लोर तो करें, तो जो भी कोई टाइम मिलता है उसमें हम किसी घर जाने की बजाय आ जाएँ तो मोस्ट वेलकम होता है, और कोई ना आए तो फिर खुद ही उदासी होती है यार फलाना ही आ जाए फलाना, फिर उनको कह रहे थे यार चक्कर लगा लो चक्कर लगा लो, लेकिन यह कि खुद जाने की दफ़ा हम लोग नहीं जा रहे होते और हम लोगों को ये होता है कि ज़रा एक्सप्लोर तो कर लेना, तो यही काम करेंगे। खैर, तो जब तक ये कपड़े फोल्ड कर रही हूँ आपसे बात कर रही हूँ, उसके बाद मैंने वीडियो बंद कर देनी है, चेंज करना है और बस मैंने गिर जाना है बेड पे और मैंने सो जाना है। फिर मैं सुबह सुबह उठूँगी इंशाल्लाह, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद, कुरान पाक पढ़ने के बाद तस्बीह करते करते फिर मैं तहामी का ब्रेकफास्ट और लंच बनाती हूँ, और फिर उसके बाद मैं फिर अपनी एडिटिंग करती हूँ। बस ये मेरा टास्क होंगे कल के, और बस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आपसे बात करते करते जो है ना वो कपड़े भी फोल्ड हो गए, तो बस इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।